नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चट्टान खिसकने के कारण लगातार दूसरे दिन बंद रहा जम्मू कश्मीर हाईवे। जम्मू कश्मीर के रामबन में चट्टान खिसकने की ताजा घटना के कारण जम्मू कश्मीर नगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही लगातार दूसरे दिन प्रभावित रही। बताया जा रहा है कि गुरुवार को चट्टान खिसकने के बाद मलबा हटाने का काम चल रहा था, लेकिन इसी बीच फिर चट्टान खिसकने के चलते लगातार दूसरे दिन हाईवे बंद रहा। हाईवे बंद होने के चलते दोनों और करीब 3000 से अधिक वाहन जहां के तहां अटक गए हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे पर डिगडोल के निकट आज हाईवे से मलबा हटाने का काम चल रहा था। पहाड़ी से एक चट्टान दरकने के राहत कार्य के बाधा पड़ गई, इसके चलते दूसरे दिन भी हाईवे बंद रहा। प्रशासन के अनुसार हाईवे पर किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यहां करीब 2500 ट्रक एवं बसें और 500 से अधिक छोटे वाहन फंसे हुए हैं। फिलहाल यहां पर तेजी से रास्ता साफ करने का काम चल रहा है, जिसमें इंसानों के साथ हैवी मशीनरी की मदद भी ली जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर हाईवे को कश्मीर की लाइफलाइन माना जाता है। श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ने वाली ये एक मुख्य सड़क है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, खुद मैकेनिक बन करने लगे ठीक। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को छठे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश के ऊना में रैली करने पहुंचे। ऊना में रैली संबोधित करने से पहले राहुल गांधी ने एक फेसबुक लाइव किया। इस लाइव उन्होंने बताया कि उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, वहाँ उसे ठीक करवाने में मदद कर रहे हैं। वीडियो में उनके साथ हेलीकॉप्टर का पायलट भी चॉपर के दरवाजे को ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल राहुल गांधी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना पहुंचे। जब वहां हेलीकॉप्टर ऊना में लैंड किया तो उन्होंने पायलट को बताया कि चॉपर के दरवाजे में कुछ समस्या है, जिसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर के दरवाजे को ठीक करने में जुट गए। पायलट के जेट ठीक करता देख राहुल गांधी भी उनकी मदद करने लगे। इस दौरान उनकी टीम ने इस पूरे वाकये को फेसबुक पर लाइव कर दिया। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।